आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक न्यू होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट की। दरअसल ये न्यू नहीं है, एक होम्योपैथी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मायाज़म। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा दो उद्देश्य है। पहला है कि आम लोग जो है होम्योपैथी के बारे में और डिटेल में जान सकें। आज के वीडियो में, इस वीडियो के एंड तक ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है, क्यों आखिर होम्योपैथी में जो पुरानी बीमारियां हैं उन्हें ठीक होने में समय लगता है, मतलब ट्रीटमेंट जो है लंबे थोड़े समय तक लेना पड़ता है टाइम तक, और ये केवल पुरानी बीमारियों के लिए ऐसा होता है। न्यू बीमारियां तो बहुत फटाफट ठीक होती हैं, बहुत फास्ट जो है पेशेंट रिकवर करता है। जो लोग जो होम्योपैथी के बारे में जो धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं कि होम्योपैथी देर से फ़ायदा करती है, ऐसा वैसा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी एक्यूट केसेस में बहुत फास्ट फ़ायदा करती है, और क्रॉनिक केसेस में भी रिलैक्स तो ये बहुत आराम से पेशेंट को बहुत जल्दी दे देती है, लेकिन जो कंप्लीट क्योर है यानी कि बीमारी को जड़ से ख़त्म होने में समय लगता है। वो क्यों लगता है आज की वीडियो के एंड तक जो है आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा। मायाज़म जो है कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़रूरी है हर होम्योपैथ के लिए। तो जो दूसरा उद्देश्य है मेरा, जो होम्योपैथ इसे देख रहे हैं तो वो और बेहतर तरीके से मायाज़म को समझ सकेंगे, ट्रीटमेंट के दौरान जो मायाज़म है इसका ख्याल रखते हुए ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली परमानेंट क्योर यानी पेशेंट कंप्लीट क्योर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, अब शुरुआत करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो से। दोस्तों, मायाज़म्स जो हैं वो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ का पार्ट है। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं वो वन ऑफ द जो सिद्धांत है डॉक्टर हैनीमैन के, उसमें से बिलोंग करता है। दरअसल क्या हुआ कि जो डॉक्टर हैनीमैन हैं उन्होंने प्रैक्टिस की, मतलब डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी की, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, और उसी बेसिस पे वो ट्रीटमेंट करने लगे। जब वो उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट करने लगे तो एक्यूट केसेस तो फटाफट ठीक हो जाए, यानी कि जो दो तीन दिन पुराने बीमारियां अचानक आई हैं पेशेंट को, वो तो फटाफट जो है वो ठीक कर देते हैं। और क्रॉनिक केस जो है, जैसे कि अस्थमा है या जो पुरानी बीमारी है, तो उसमें क्या होता था कि टेम्प्ररीली, जैसे कि कोई पेशेंट आया अस्थमेटिक कंप्लेंट के साथ आया, तो जो उसके साथ सेट ऑफ सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पर डॉक्टर हैनीमैन ने मेडिसिन दिया सिम्टम सिमिलैरिटी देख करके। और क्या होता था कि वो उस वक्त के लिए तो पेशेंट रिलैक्स हो गया, कंप्लेंट चला गया, लेकिन जैसे ही सूटेबल इन्वायरमेंट आता था, यानी सपोज अगर पेशेंट को ठंड से तकलीफ होती है अस्थमा में, तो वो जैसे ही ठंड का मौसम आता था वो पेशेंट अगेन बीमार हो जाता था, अगेन उसको अस्थमेटिक कंप्लेंट्स आ जाती थी। तो डॉक्टर हैनीमैन चाहते थे कि कंप्लीट क्योर की तरफ जाए, यानी कि ऐसा कुछ हो सके जिससे कि पेशेंट की जो अस्थमा की बीमारी है वो दोबारा लौट करके ना आए। ऐसा किसी भी बीमारी के साथ कह सकते हैं, ये केवल अस्थमा एक एग्जाम्पल दिया है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत सोचा कि आखिर क्यों पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत सोचने के बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि ज़रूर कोई बाधा है, कोई ऑब्स्टिकल है जो पेशेंट को क्योर होने से रोक रहा है। वो बाधा क्या है? वो बाधा मायाज़म्स है। और इस चीज़ को और डिटेल में मैं अब आपको समझाऊंगी। दोस्तों, एफोरिज्म 7 में डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है, इम्पोर्टेंस दिया है इन बातों को, कॉजिटिव फैक्टर्स, मायाज़म, इन्फेक्शियस टॉक्सिन्स, एंड नेसेसरी सर्कमस्टांसेस एंड मेंटेनिंग कॉजेस। तो दोस्तों, ये जो है यही वो बाधाएं हैं, कॉजिटिव फैक्टर यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि बीमारी को कॉज करता है, फिर उसको मेंटेन करना यानी कि उस सिचुएशन को वो मेंटेन करने का जो फैक्टर है मायाज़म्स हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, इन्फेक्शियस टॉक्सिन्स हैं, नेसेसरी सर्कमस्टांसेस हैं यानी लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, वो सभी चीज़ें, ऑल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक पेशेंट को ठीक ना होने देने में। यानी सपोज आपने मेडिसिन तो दिया
और सपोज सरकमस्टांसेस के बेसिस पे कि पेशेंट की सिचुएशन ऐसी है और वो स्ट्रेस में है और सिम्टम्स मैच करके आपने दिया पेशेंट को, वो रिलैक्स हो गया, लेकिन कंप्लेंट अगेन वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सिचुएशन रिमेंस सेम। तो ऐसे सारी सरकमस्टांसेस जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहला है माइज़म। दोस्तों हेपोक्रेट ने इसे फॉल्ट पॉल्यूशन इन एयर वगैरह वगैरह बताया, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन ने जो है इसे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जो कुछ मैंने पढ़कर समझा है मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। दोस्तों माइज़म क्या है? माइज़म जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि हमारी जो वाइटैलिटी है उसको कमज़ोर कर देता है और उसे ससेप्टेबल और प्रोन करता है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। इसे समझाने के लिए मैं एक बात कहूँगी कि वाइटैलिटी पहले क्या है ये आप समझ लीजिए। वाइटैलिटी वो चीज़ है जो कि हमारे शरीर के हर एक फंक्शन को कंट्रोल कर रही है। वो ऐसी स्पिरिट लाइक फोर्स है जो हमारे बॉडी के हर फंक्शन जैसे मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मतलब हर लेवल पे जो है वो हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रही है। वॉलेंटरली या इनवॉलेंटरली वो हमारे शरीर के हर एक जो है डिफेंस मैकेनिज्म हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रही है। वाइटैलिटी जब हमारे शरीर में होती है, यानी वाइटल फोर्स जब तक हमारे शरीर में है तब तक इंसान जिंदा है, तब तक ना कोई बैक्टीरिया ना कोई पैरासाइट कोई अटैक नहीं कर पाता है और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है वो जो वाइटैलिटी है वो चली जाती है, यानी वाइटल फोर्स चला जाता है बॉडी से, और उसके बाद कोई भी बैक्टीरिया कोई भी पैरासाइट कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फटाक से अटैक कर सकता है बॉडी पे, और जिसकी वजह से बॉडी जो है फटाफट जो है डीजनरेशन सड़ने गलने सब जो है डेड बॉडी फटाफट सड़ने गलने लगती है। तो दोस्तों ये वाइटल फोर्स है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे बॉडी में। अगर ये स्ट्रांग है तो कोई बीमारी हम पर अटैक नहीं कर पाती है, अगर ये वीक है तो कोई भी बीमारी हमें अटैक कर सकती है, कोई भी बीमारी हमें बीमार कर सकती है, तकलीफ दे सकती है, मार सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और माइज़म वो चीज़ है जो वाइटैलिटी को कमज़ोर करता है और धीरे धीरे कमज़ोर करता चला जाता है, और एक इंसान जो है बीमारी पे बीमारी बीमारी पे बीमारी बहुत सारी बीमारियां जो है कैरी करने लगता है। दोस्तों हमारी वाइटैलिटी को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ पैरासाइट का। जैसे पैरासाइट्स में बहुत सारे पैरासाइट्स आते हैं। अब एक जो सिफिलिस बीमारी क्रिएट करता है वो भी एक पैरासाइट है, जैसे बैक्टीरियम ट्रेफोनोमा पैलिडियम ये भी एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्यों ले रही हूँ मैं? क्योंकि पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी में रहते हैं, यानी इतना आसान नहीं होता उनको अपने शरीर से निकाल कर बाहर करना, और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये वहाँ रहते हैं और धीरे धीरे करके इंसान के शरीर को खोखला करते जाते हैं, इम्यून जो होता है बॉडी का उसको सप्रेस कर देते हैं। इसमें कई स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्टेज, लेटेंट स्टेज, सेकेंडरी और टर्शरी स्टेज। इसमें दो उदाहरण मैंने दिए वैसे तो माइट्स स्पोरोसाइट्स स्केबीज का भी स्किन रैशेज का, लेकिन इसे और जो है प्रिसाइज तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इम्यूनिटी को कम करते हैं रिड्यूस करते जाते हैं, उसके बाद इसका क्या रिलेशनशिप है मायाजम से और क्या रिलेशनशिप है वाइटैलिटी से ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो दोस्तों क्या होता है कि जब कोई पैरासाइट हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो पहले तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है एक हेल्दी पर्सन पे जिस जो ऑलरेडी बीमार नहीं है, मतलब उस पे अगर किसी पैरासाइट ने अटैक किया तो शुरुआत में सिम्टम्स आते हैं क्योंकि शुरुआत में बॉडी और जो पैरासाइट है उसके बीच में लड़ाई होगी। पैरासाइट चाहेगा कि वो जो है न्यूट्रिशन चूस ले शरीर से, और वाइटल फोर्स जो है वो नहीं चाहेगा कि ऐसा कर पाए पैरासाइट, तो उनमें फाइटिंग होती है और वो सिम्टम्स बॉडी पे आते हैं। फिर क्या होता है कि वाइटल फोर्स जीत जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्गर पोजिशन में, एनर्जी काफ़ी है बॉडी में, बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो जो है कंट्रोल कर लेता है उस पैरासाइट पे, कंट्रोलिंग पा लेता है, लेकिन वो 100% जो है उस पैरासाइट को हटा नहीं पाता है। इस चीज़ के बारे में भी मैं जो है आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है, इसको बाद में बताऊंगी आपको। तो वो 100% उसको हटा नहीं पाता है, तो जब वो 100% उसको नहीं हटा पाता है तो वो रह जाता है शरीर में, और धीरे धीरे करके जिस ऑर्गन पे भी उसका अट्रैक्शन है पैरासाइट का, जिस ऑर्गन से भी उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है उस जगह रह करके
वो जो है क्या करता है कि उस हिस्से को खोखला करना शुरू करता है, उसके सेल्स डैमेज करने लगता है, उसके सिस्टम को जो है डिरेंज करने लगता है, टॉक्सिन्स सीक्रेट करने लगता है, वो डैमेज करने लगता है उस ऑर्गन को। तो जो वाइटल फोर्स का जो कंट्रोल है, जो उस ऑर्गन में होना चाहिए था, वो घटने लगता है, वाइटलिटी कमज़ोर होने लगती है धीरे 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 धीरे। लेकिन तब भी वो सिम्टम जो है शो नहीं करता है, यानी कि जो बीमारी है वो लेटेंट स्टेज में पहुंच गई, यानी कि छुपी हुई अवस्था में अंदर मौजूद है, अंदर जो है वाइटलिटी को कमज़ोर किए जा रहा है, वो दीमक की तरह खाया जा रहा है, लेकिन इफेक्ट बाहर में दिखाई नहीं देगा। कई सालों के बाद जब वाइटलिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तब अगेन जो है ये तब जो है वाइटलिटी कमज़ोर होने के कारण कई तरह की बीमारियां उस पर अटैक कर देती हैं। आप जानते हैं HIV है, सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब कि सेट ऑफ कई डिजीजेस, कोई भी डिजीज़ अटैक कर सकती है पेशेंट पे, वाइटलिटी इतनी कमज़ोर होगी, इम्यून इस हद तक सप्रेस हो चुका है। तो यानी कि जो पैरासाइट जैसी चीज़ें हैं या दूसरी चीज़ें भी हैं, वो वाइटलिटी को कमज़ोर करती हैं। पैरासाइट को भी आप माइज़म कह सकते हैं, जो वाइटलिटी को कमज़ोर करता है। लेकिन इसे अगर हम होम्योपैथी के तरीके से सोचें, तो आप बस इतना सोचिए कि कमी थी उस वाइटल फोर्स में, जिसकी वजह से पैरासाइट अटैक कर पाया, यानी कि कहीं ना कहीं वीकनेस थी वाइटलिटी में। और वो वीकनेस कहाँ से आई? डॉक्टर केंट ने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया है। डॉक्टर केंट ने कहा है कि जो बीमारी है पहले फॉल्टी थॉट में आती है, यानी कि ब्रेन से, माइंड से बॉडी गवर्न होता है, यानी कि पहले माइंड में फॉल्टी थॉट आता है और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो वाइटलिटी है उस पर असर होता है, और हमारे बॉडी वो भी जो है ससेप्टेबल हो जाता है बीमारी के लिए। तो ऐसा क्यों कहा है? जो चीज़ हमारी नहीं है उस चीज़ को पाने की ख्वाहिश, उसकी वजह से एक व्यक्ति स्ट्रेस लेता है, टेंशन में आता है, लाइफ के डिफरेंट चीज़ें चकाचौंध देखता है और उसमें जो है वो भटक जाता है। उस चकाचौंध को देख करके वो जो है चाहता है कि वो सारी चीज़ें उसकी हों, उसके लिए तरह तरह के प्रयास करता है। तो ये जो है माइंड को पोल्यूट करता है, ये चीज़ जो माइंड को पोल्यूट करती है वो क्या करती है कि हमारे वाइटैलिटी को कमज़ोर करती है। और जैसे ही थोड़ा सा कमज़ोर हुआ वाइटैलिटी, तब वो ससेप्टेबल हो जाता है उन पैरासाइट्स के लिए जिसकी मैंने बात की। इसीलिए पैरासाइट्स बॉडी पे अटैक कर पाते हैं और वो रह पाते हैं, यानी वाइटलिटी और जो है जो भी है इस तरह से अटैक होता है। तो होम्योपैथी में दिया है सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस, तीन स्टेजेस हैं। ये दरअसल क्या है, सोरा मतलब ऐसी पैरासाइट्स और ऐसी चीज़ें अटैक कर पाएंगी जो स्किन पर डिजीज़ क्रिएट कर सकती हैं, बहुत डीपर लेवल पे नहीं जा सकती हैं। यानी कि ऐसे पैरासाइट्स तभी अटैक करते हैं जब वाइटलिटी स्लाइटेस्ट वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटर करने की परमिशन वाइटलिटी बॉडी में नहीं देती है, वो स्किन पर ही मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं। उसके बाद है साइकोसिस, तो ऐसे जो बैक्टीरियल हैं जो कि हमारे बॉडी के और डीपर ऑर्गन्स में जा सकते हैं, और डेप्थ में जाकर डैमेज कर सकते हैं, यानी कि वाइटलिटी और कमज़ोर हो गई। तो जैसे जैसे वाइटलिटी कमज़ोर होते जाती है, बीमारियां बढ़ती जाती हैं। वाइटलिटी स्ट्रांग है तो बीमारी केवल स्किन लेवल पे रह जाएगी, स्किन पे बीमारी रहेगी तो कोई मरेगा तो नहीं। तो वाइटलिटी क्या करती है कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसको कोशिश करती है कि वो ऐसी जगह पे मैनिफेस्टेशन करे जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ऐसे ऑर्गन नहीं है जिससे कि वाइटलिटी डैमेज हो सकती है या बॉडी जो है उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। जैसे स्किन है, स्किन पर तो अगर कोई डिजीज़ आ भी गया तो उससे आदमी मरेगा नहीं। फिर यानी कि उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो साइकोसिस में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल बदलाव आने लगते हैं, यानी वाइटलिटी और कमज़ोर हुई, थोड़ी सोरा से थोड़ी सी और कमज़ोर हुई, साइकोसिस में वाइटलिटी कमज़ोर हुई तो जो है ओवर ग्रोथ होने लगा टिश्यूज़ का, बेनाइन नॉट मैलिग्नेंट, ओके, कैंसरस नहीं, बेनाइन जो है ओवर ग्रोथ होने लगा, तरह तरह की डिफॉर्मिटी शरीर में आने लगी। तो ये है साइकोसिस। और जब वाइटलिटी एकदम कमज़ोर हो जाती है तो उसको नाम दिया है सिफिलिस। सिफिलिस क्यों दिया है? क्योंकि सिफिलिस जो बीमारी है उसमें भी ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज में हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है,
बिल्कुल उसी तरीके से सिफिलिस लेवल पे जो बीमारियां हैं वो पेशेंट को बहुत डिस्ट्रक्टिव लेवल पे लेके जाती हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये केवल लेवल ऑफ वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट किया है। 16 लेवल पे वाइटैलिटी काफ़ी हद तक स्ट्रांग रहती है, बहुत कम स्लाइटेस्ट डिरेंजमेंट होता है। साइकोटिक लेवल पे बीमारी जैसे जैसे आगे बढ़ती है जो है स्ट्रक्चरल बदलाव आने लगते हैं बॉडी में, और सिफिलिटिक लेवल पे डिस्ट्रक्टिव जो है चेंजेस आने लगते हैं। तो ये लेवल ऑफ वाइटैलिटी है, यानी कि हाई वाइटैलिटी, स्ट्रांग वाइटैलिटी टू लो वाइटैलिटी, यानी कि वीक वाइटैलिटी, इसकी वजह से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डिजीज हो जाता है। तो दोस्तों ऑब्स्टिकल टू क्योर में जो है अब और भी चीज़ें की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम दूसरा ऑब्स्टिकल्स टू क्योर की चर्चा करते हैं। जैसे पहला है कॉजिटिव फैक्टर, मेंटेनिंग कॉज एंड नेसेसरी सर्कमस्टांसेस। तो एक उदाहरण हर एक के लिए मैंने एक एक उदाहरण सोच लिया है और मैंने उसको डालने की कोशिश की है। स्किन इरप्शंस सप्रेस्ड बाय सम ऑइंटमेंट और मेडिकेशन गोज डीपर एंड अफेक्ट्स वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि स्किन पे, यानी सपोज माइजम सोरा है एक पेशेंट का, यानी वाइटलिटी बहुत वीक नहीं है और एक स्किन डिजीज ने उस पर अटैक कर दिया, यानी किसी खासर के पैरासाइट ने अटैक कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ स्केबीज का बीमारी, जो कि टच से फैलती है। तो स्किन लेवल पे प्रॉब्लम आया और उसने क्या किया कि वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक ऑइंटमेंट दे दिया, उसने उसे लगा लिया। लगाने के बाद धीरे धीरे करके वो जो बीमारी है वो दब गई। दब गई का मतलब वो जो है वो उस समय के लिए जो है इफेक्ट जो है चला गया, बाहर में तो दिख रहा है कि स्किन एकदम नॉर्मल हो गई है, लेकिन कुछ जो पैरासाइट्स है वो रह गए और वो जो है डीपर लेवल पे गए, यानी कि जो वाइटलिटी है जब वो बीमारी को नॉन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स पर एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तब उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसको वो एक्सप्रेस करे डीपर लेवल में, यानी कि अब कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है डिजीज्ड होने वाला है। तो इस तरीके से जो है एक कॉजिटिव फैक्टर जो है ये भी ऑब्स्टिकल टू क्योर है। ये कॉज हो गया, मतलब सप्रेशन हो गया, इसकी वजह से जो है अब जब तक कि वो सप्रेशन हटेगा नहीं तब तक पेशेंट क्योर होगा नहीं, तो ये एक कॉजिटिव फैक्टर है। हम बात करती हूँ मैं एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज की, ऐसा कॉज जो कि बार बार उसको एक्साइट कर देता है उसकी बीमारी को और जो उसकी बीमारी को कंटिन्यूअस किए हुए है। यानी आप लाख किसी को होम्योपैथिक मेडिसिन दे दें, सपोज़ किसी को लंग की कंप्लेन है, लंग्स में प्रॉब्लम है स्मोकिंग की वजह से ही, और वो स्मोकिंग लगातार किए जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो भले आप उस समय के लिए आप सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन देंगे वो ठीक हो जाएगा और अगेन, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहा है, अगेन प्रॉब्लम रिटर्न होके आ जाएगा। तो ये जो है वो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है, मेंटेन कर रहा है बीमारी को ये। फिर है केमिकल यूज टू ट्रीट सप्लाई वाटर, जैसे सप्लाई वाटर को ट्रीट करने के लिए कई बार क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, देन जो फिटकरी है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ठीक है कुछ लेवल पे, तो ये हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो जाती है जो भी है, लेकिन जो थोड़ी मात्रा में रह जाती है वो जो है अगर आप ये एक या दो बार आप लेंगे तो कुछ असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप सालों से ले रहे हैं तो वो भी जो है आपकी बॉडी में जो है जगह जगह जो है वो डिजीज़ क्रिएट कर देगी, यानी टिश्यूज़ में हार्डनेस क्रिएट कर देगी। तो जो बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो बाधित होगा, बॉडी का सर्कुलेशन बाधित होगा तो वाइटलिटी धीरे धीरे करके कमज़ोर होती जाएगी। तो आप सपोज़ मेडिसिन आप दे भी रहे हैं सिम्टम्स के बेसिस पे, लेकिन अगर टिश्यूज़ में हार्डनेस है, न्यूट्रिशन प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रिशन सेल्स को नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित तौर पे प्रॉब्लम जो है वो रिमेन सेम, प्रॉब्लम रिटर्न होके आएगा। तो इसलिए जो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना ज़रूरी है कि जो चीज़ पेशेंट को नुकसान करती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं उस पेशेंट की शरीर में। सिम्टम सिमिलैरिटी पे सपोज़ जो है एलुमेन दे दिया, एलुमेन जो है वो फिटकरी से बना है और दे दिया और वो पेशेंट को आराम हो गया, वो ठीक भी हो गया, लेकिन क्योंकि वो लगातार वो उस तरह का उस टाइप का वाटर या कंटेंट ले रहा है तो वो अगेन जो है उसी डिजीज़ का शिकार दोबारा हो जाएगा। तो ये एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है। जैसे दोस्तों जो हाई कंटेंट है सल्फर का शुगर में, अब और ये जो है हम डेली लेते हैं, कोई ऐसा घर नहीं होगा जो शुगर ना ले, मिल्क में लोग शुगर डाल के लेते हैं या दूसरी चीज़ों में भी मीठा खाते हैं,
तो वो जो शुगर है उसमें सल्फर होता है, तो सल्फर जो है अपने सिम्टम्स क्रिएट करेगा बॉडी में। फिर अगर थोड़े बहुत लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सालों से लेते आ रहे हैं ढेर सारा, तो उसका असर जो हो जाएगा। अब आप शायद समझ पाए होंगे कि क्यों सल्फ़र को भी लोग एंटी माइजमेटिक रेमेडी कहते हैं, क्योंकि सल्फ़र ऐसा कंटेंट है जो कि लगभग हर व्यक्ति के शरीर में मौजूद होता है, यानी कि उसका असर हर व्यक्ति के शरीर में होता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो शुगर नहीं लेता होगा? एब्सोल्यूट शुगरलेस तो कोई खाता नहीं है, कहीं ना कहीं सल्फ़र जो है आपको मिल जाएगा। फिर जो है थर्ड है एसेसरी सर्कमस्टांसेस, लाइफ सिचुएशन क्रिएटिंग स्ट्रेस इन अ पर्सन एट इमोशनल एंड फिजिकल लेवल, यानी कि जब लाइफ का सिचुएशन बहुत हार्डशिप है, उस स्ट्रेस के सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, सिम्टम्स चले गए, पेशेंट रिलीव्ड हो गया, टेंशन फ्री हो गया, रिलैक्स हो गया, लेकिन उसकी सिचुएशन लाइफ की रिमेन सेम, तो धीरे धीरे करके अगेन वो डिजीज हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जो है फैक्टर इम्पोर्टेंस रखता है, यानी जो चीज़ें नुकसान कर रही हैं वो उन्हीं चीज़ों के कांटेक्ट में अगर पेशेंट है तो वो भले कुछ समय के लिए होम्योपैथिक रेमेडी से ठीक हो जाए, लेकिन कंप्लेंट तो अगेन आ जाएगी, क्योंकि उस चीज़ का अटैक उस पर रुक नहीं रहा है, वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूड हो रहा है उस पर अटैक। तो ये जो है थर्ड है पॉइंट, इन्फेक्शियस टॉक्सिन और टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ड्रग्स। इन्फेक्शियस टॉक्सिन्स, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स जो है प्रमोट इन्फेक्शंस एंड डिजीज बाय डायरेक्टली डैमेजिंग होस्ट टिश्यूज एंड डिसेबल द इम्यून सिस्टम। तो जो इन्फेक्शियस टॉक्सिन्स है जो भी शरीर में जाएंगे जो है, अगर इन्वायरमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं ये हैं, तो निश्चित तौर पे जो उसका जो टॉक्सिन का इफेक्ट है वो कंटिन्यूसली है, यानी कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, तो वो बार बार आप पे जो है अटैक करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है ऑब्स्टिकल टू क्योर, यानी कि आपको मेडिसिन दिया आप ठीक हो गए, अगेन उसी उन्हीं चीज़ों के आप कांटेक्ट में बार बार आ रहे तो आप अगेन डिजीज हो गए। टॉक्सिन ड्रग्स, एक एग्जांपल देती हूँ, ओपियम जो कि स्लीपिंग पिल्स में यूज़ होता है, पेन किलर्स पे यूज़ होता है, एक दो बार लेने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप सालों से 10-15 साल से लेते आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो जो है उसका जो असर है आपके शरीर में जो है वो जगह जगह जो है वो असर डालेगा, फंक्शंस को इम्पेयर करेगा, और जिसकी वजह से जो है आपके वाइटैलिटी कमज़ोर हो जाएगी। यानी हर चीज़ जो भी वाइटैलिटी को कमज़ोर करती है और कंटिन्यूस बनी हुई है एक व्यक्ति के जीवन में, वो माइज़म है, ऑब्स्टिकल टू क्योर है। अब दोस्तों, अब एक एग्ज़ाम्पल मैंने तैयार किया है जो कि एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी आप कह सकते हैं, जिससे कि मायज़म को और अच्छे से हम समझा पाए, ज़्यादा क्लियर कट और क्लियर आइडिया हो पाएगा कि मायज़म क्या है। ये एक तरह की समरी है और इस समरी से हम क्या समझ सकते हैं, यही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। दोस्तों, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक जो है बच्चा है वो पैदा हुआ, माँ बाप से उसने इनहेरिटेंस में सोरा मायज़म लिया। कहने का मतलब है कि माँ बाप जो थे वो स्वस्थ थे और लेकिन जो लाइफ सिचुएशन है उसकी वजह से जो है उनमें उनकी वाइटलिटी वीक हुई। वाइटलिटी वीक होने का कारण था ये उनकी लाइफ की सिचुएशन, जिसकी वजह से जो है मतलब फॉल्टी थॉट, जो कि डॉक्टर कैंट ने कहा है कि जो चीज़ मेरे नहीं उसे भी पाने की ख्वाहिश, या इस तरीके से, या इंक्विजिटिव नेचर, या जो भी है जिसकी वजह से जो वाइटलिटी ज़्यादा स्ट्रेस, तो उसकी वजह से वाइटलिटी थोड़ी कमज़ोर हुई और जो टेंडेंसी है टुवर्ड्स सोरा हुआ। सोरा यानी कि पहला स्टेज बीमारी का, वाइटलिटी मुझे थोड़ी सी स्लाइटेस्ट जो है डिरेंजमेंट जो है उसको सोरा कहेंगे आप। तो बच्चे ने जेनेटिकली सोरा मायज़म लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है बच्चा, स्वस्थ ही बच्चा है लगभग। बच्चे की लाइफ बढ़ी, ये देखिए एक तरफ मैंने जो है लाइफ के जो स्टेजेस है वो दिए हैं और दूसरी तरफ जो जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो दिए हैं। तो सोरा मायज़म हुआ, फिर मायज़म था बच्चे में, तो एक समय आया, एज आया जबकि उस बच्चे को 5-6 साल की उम्र में बच्चे को जो है स्किन पे इरप्शन स्टार्ट हो गए। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, कोई ऑइंटमेंट डाला और वो सिम्टम्स जो है उस मतलब स्किन पर से चले गए, सिम्टम्स स्किन पर से चले गए तो दब गया, अंदर चली गई बीमारी। उसके बाद क्या हुआ,
वो तो स्किन डिजीज तो ठीक हो गया, लेकिन बच्चे को अस्थमा स्टार्ट हो गया, यानी कि बीमारी अब जो है, अब स्किन पे जो बीमारी आ रही थी 16 लेवल पे, अब वो बीमारी जो है साइकोटिक लेवल पे चले गई, यानी कि अब उस बच्चे को अस्थमा हो गया। एक उदाहरण दे रही हूँ। अब आगे बढ़िए, जो है अस्थमा हो गया, फिर धीरे धीरे अस्थमा झेलता रहा झेलता रहा। डाइट में भी जो है, जो भी वो खा पी रहा है उसमें सपोज सम एक्सेस ऑफ मिनरल्स हैं, जैसे सल्फर है या कोई भी ऐसा कंटेंट है, या जिस जगह पे रहता है वहाँ के पानी में, सपोज वो बोरिंग का वाटर लेता है, बोरिंग के वाटर में सपोज वो उसमें मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है या कुछ है, तो उसका जो उसके जो सिम्टम्स थे जो ओरिजिनल अस्थमा के दौरान थे वो अल्टर हो गए, यानी कि अब ये जो मिनरल्स हैं वो भी अपना इफेक्ट बॉडी में सिम्टम्स दिखा रहे हैं। फिर जो अस्थमा के ट्रीटमेंट के दौरान जो वो ड्रग्स ले रहा है, जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं या जो से दूसरे ड्रग्स हैं वो ले रहा है, तो उसकी वजह से जो है सिम्टम्स और ज़्यादा बदल गए, चेंजेस आ गए सिम्टम्स में। फिर क्या हुआ कि अब जैसे जैसे वो यंग हो गया, बड़ा हो गया, अब यंग एज में जो है आप देख रहे हैं कि जो है स्ट्रेस इन लाइफ जो है वो स्लीपलेसनेस कॉज किया, तो उसने जो है स्लीपिंग पिल्स ये सब भी लेना शुरू किया। वो लेने के बाद क्या है कि धीरे धीरे करके उसमें जो उसके वो ओरिजिनल सिम्टम्स थे वो भी और बदल गए, यानी कि रियल पिक्चर नहीं रह गया। फिर जैसे जैसे और उम्र हुई, 40 के एज तक पहुंचा, तो लाइफ सिचुएशन में बहुत स्ट्रेस आ गया, तो जो है साइकोटिक माइज़म अब धीरे धीरे नियर टू सिफिलिस जाने लगा, यानी मेंटल स्टेट में बदलाव आने लगा, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत वगैरह वगैरह बहुत कुछ भर गया माइंड में, और वाइटैलिटी धीरे धीरे करके ये अंदर ही अंदर 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 वीक होती जा रही है, यानी कि कॉज कहाँ था, ये स्किन जो डिजीज़ था वो दब गया, और उसके बाद जो चेंज शुरू हुआ है वाइटैलिटी के कमज़ोर होने का, क्योंकि जो बीमारी थी वो ट्रीट कहीं नहीं हुई, वो अंदर ही अंदर जो है और भी ज़्यादा जो है अल्टर्ड फॉर्म में जो है बदल गया, यानी कि अब जब पेशेंट आ रहा है अपना अस्थमा का कंप्लेंट लेकर के जो उसको है, तो और भी ज़्यादा कंप्लेंट बढ़ गया, और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, लेकिन जो सिम्टम उसको वो प्रेजेंटली दिखा रहा है वो उसका ओरिजिनल सिम्टम नहीं है, उसका ओरिजिनल सिम्टम तो बहुत ही डेप्थ में मौजूद है और वो अल्टर फॉर्म में है। तो जब होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है तो माइज़म का ख्याल रखते हुए, यानी कि लेवल ऑफ डिप्रेशन जो क्रिएट होता है पेशेंट के अंदर वो उसकी वाइटैलिटी की हालत बताता है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, मरने और मारने को व्यक्ति तैयार है, इसका मतलब है कि उसकी लाइफ का जो डिप्रेशन लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है और वाइटैलिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तभी ऐसी बातें वो कर रहा है। डिप्रेशन एक व्यक्ति को तभी आता है बहुत ज़्यादा जब उसकी वाइटैलिटी बहुत कमज़ोर होती है, कारण कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वाइटैलिटी का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंस रखता है, अगर वाइटैलिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो उस लेवल को जज करके मेडिसिन देना ज़रूरी है। हर होम्योपैथिक रेमेडी प्रूविंग के दौरान केवल सिम्टम्स ही प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि एक खास लेवल ऑफ जो डिप्रेशन है वो भी पेशेंट में क्रिएट करती है। वही डिप्रेशन का जो लेवल जो वो क्रिएट करती है उसको क्योर करने की कैपेसिटी भी रखती है, यानी कि वाइटैलिटी का जो असली हाल है उसको क्योर करने की कैपेसिटी रखती है। तो प्रेजेंट सिम्टम के साथ अगर आप उसके डिप्रेशन लेवल को भी देखेंगे कि किस भी जैसे मेडिसिन है उसका डिप्रेशन लेवल क्या है, तो उसको आप मैच कीजिए, और जब आप देंगे तो वो धीरे धीरे करके परत दर परत जो है वो सिम्टम्स चले जाएंगे और रियल सिम्टम आ जाएगा। जैसे कि अगर एक अच्छे होम्योपैथ ने वाइटैलिटी को जज करके पेशेंट को जो है स्ट्रेस लेवल पे दिया, स्ट्रेस लेवल था वो सिचुएशन था उसके हिसाब से दिया, प्लस उसकी लेवल ऑफ डिप्रेशन क्या है उसको भी ध्यान में रखते हुए दिया, फिर वो सिम्टम्स चले गए, फिर क्या हुआ कि अगेन जो है जो स्लीपलेसनेस था उसके लिए जो वो पिल्स ले रहा था, जो कुछ भी था उसके जो सिम्टम्स थे वो प्रकट हो जाएंगे, यानी सिम्टम्स बदल जाएंगे और लेवल ऑफ डिप्रेशन भी घट जाएगा, यानी कि अब पेशेंट जो है उतना डिप्रेशन फील नहीं करेगा, पेशेंट डिप्रेशन कम फील करेगा, फिजिकल सिम्टम्स में भी काफ़ी हद तक रिलीफ होगा, यानी आराम होना तो पेशेंट को शुरू हो जाएगा लेकिन क्योर होने में समय लगेगा। होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है,
इसे बस यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें कि पेशेंट परमानेंट क्योर तक जाए और पेशेंट रिलीव्ड भी होता जाए, तो पेशेंट की अब जो है डिप्रेशन लेवल कम हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे मेडिसिन की सिम्टम्स अब जो है जिस लेवल का जो सिम्टम दिखा रहा है प्लस उस मेडिसिन वो मेडिसिन क्या डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है वाइटलिटी का, उसको मैच करके आप देंगे तो फिर वो सिम्टम्स भी चले जाएंगे। फिर जो ये जो आप डिफरेंट ट्रीटमेंट लिया था उसकी वजह से जो इफेक्ट ड्रग्स ने क्रिएट किया था सिम्टम वो प्रकट हुआ शरीर में, ये सब मौजूद थे लेकिन छुपी हुई अवस्था में, तब ये प्रकट होंगे। फिर इसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट देंगे, लेवल ऑफ डिप्रेशन को भी देखेंगे और देंगे तो वो सिम्टम्स भी चले जाएंगे। फिर डाइट में जो पानी वानी जो ले रहा था या जो भी चीज़ें थी वो ले रहा था, तो उसमें जो चीज़ें थी जो इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस कर रही थी वो, और लेवल ऑफ डिप्रेशन जो है वो जब आप मैच करके मेडिसिन देंगे तो वो सिम्टम्स चले जाएंगे। फिर जो है अस्थमा के जो ओरिजिनल सिम्टम्स थे जो बहुत सालों पहले थे वो आएंगे, उसके बेसिस पे आप मेडिसिन देंगे लेवल ऑफ डिप्रेशन मैच करते हुए, तो वो अस्थमा भी जो है ठीक हो जाएगा और लास्ट में उसको स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पेशेंट बोलेगा क्या कि डॉक्टर मेरा अस्थमा तो ठीक हो गया लेकिन ये स्किन पर रैशेज आ गए जो सालों पहले मुझे होते थे, ये क्या बात हुई? बोले चिंता मत करो, अब ये भी ठीक हो जाएगा। इस बेसिस पे डॉक्टर फिर जो सिम्टम्स चेंज हुए हैं उसके बेसिस पे लेवल ऑफ डिप्रेशन यानी सोरामाइजम का जो स्लाइटेस्ट डिप्रेशन होता है उसको लेके जब ट्रीटमेंट देंगे तो वो स्किन डिजीज भी ठीक हो जाएगा, पेशेंट एब्सोल्युटली क्योर हो जाएगा, फिर ना उसे कभी कोई अस्थमा होगा, वो काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाएगा, वो कुछ भी खा पी सकेगा, वो एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट वाला व्यक्ति होगा जो क्रिएटिव होगा इंटेलिजेंट होगा, उसकी सारी डलनेस सारी जो डिप्रेशन है वो चला जाएगा एंड ही विल बी एब्सोल्युटली क्योर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों होम्योपैथी में टाइम लगता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक ही बीमारी का शिकार नहीं होता है बल्कि कई लेयर्स होते हैं, कई कई बार टॉक्सिन्स ड्रग्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं सप्रेशंस, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर के सिम्टम्स को अल्टर कर देती हैं और उसके एक एक लेयर को ठीक करने में वक्त लगता है। इसीलिए होम्योपैथी में जो है ट्रीटमेंट के दौरान समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अस्थमा की कंप्लेंट है तो उसको आराम बिल्कुल नहीं होगा, उसको आराम भी होगा और सबसे अच्छी बात कि उसका मेंटल स्टेट जो है धीरे धीरे करके बदलेगा, उसके माइंड में जो जेलस है जो गुस्सा है जो एंग्यूश है ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगेंगी और वो एक एब्सोल्युटली फाइन और हेल्दी पर्सन बन जाएगा। दोस्तों हेरिंग्स लव ऑफ क्योर ने कहा है कि जो डिसीज़ है वो आती जिस ऑर्डर में है जाती जस्ट रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जो डिसीज़ सबसे बाद में आई है वो सबसे पहले ठीक होगी और जो डिज़ीज़ सबसे पहले प्रकट हुई थी पेशेंट में वो सबसे लास्ट में क्योर होगी। इसी तरीके से जो है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है और जो बीमारी है पहले मेंटल लेवल में सुधार आता है और फिर फिजिकल लेवल पे जो है सुधार आता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों आज आप समझ पाए होंगे कि क्यों होम्योपैथी में क्रॉनिक डिजीज़ में समय लगता है, इसका इसकी वजह ये नहीं है कि होम्योपैथी स्लो वर्क करती है, होम्योपैथी वर्क्स फास्टर देन एनीपैथी, लेकिन जो डिजीज़ की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा होती है, कई तरह के इफ़ेक्ट्स उस व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसको ठीक करने में समय लगता है, उसकी वाइटलिटी को जज करते हुए धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है, जिसकी वाइटलिटी कमज़ोर है उसको आप एकदम से हाई पोटेंसी भी नहीं दे सकते, तो उसकी वाइटलिटी को बढ़ाते 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 जो है आगे काम करना पड़ता है, तो इसलिए समय लगता है। दोस्तों मुझे लगता है कि मायजम जो है मायजम का अंतिम सार मैं यही कहूँगी कि मायजम वो चीज़ है जो वाइटलिटी को वीक कर देती है, ऑब्स्टेकल्स टू क्योर वो चीज़ें हैं जो शरीर पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और अंदर में दबी हुई हैं और जिसके सिम्टम्स मिक्स हो चुके हैं और क्लियर सिम्टम्स जब तक नहीं होंगे तब तक क्लियर मेडिसिन आपको नहीं मिलेगा और आप ठीक नहीं होंगे, तो ये सारी बाधाएं जो है वो पेशेंट को ठीक होने से रोकती हैं। तो दोस्तों वैसे तो मायजम में कहने के लिए और भी बहुत कुछ है लेकिन आज वीडियो इतना ही मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है, तो आपने इतने पेशेंस के साथ मेरा इस वीडियो
वीडियो को देखा, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आपको इससे रिलेटेड सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। प्लस मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी वीडियोस के भी लिंक्स डाल दूँगी ताकि आप उसे भी देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है अंकिता पाठक चैनल, और अब मैं आपसे विदाई लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।